हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप इस लॉकडाउन में घर पे कैसे एब्रोज बना सकते हो। एक्चुअली बहुत लोग एब्रोज घर पे बनाते होंगे, उनको आदत हो चुकी होती है, और जिनको नहीं आता है तो उनको मैं आज सिखाने वाली हूँ। एक्चुअली अभी इस लॉकडाउन में तो सारे पार्लर बंद है, तो इस वजह से जो कुछ करना पड़ेगा हमें घर पे ही करना पड़ेगा। हम कितना भी कर लें हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है, तो हमें घर पे ही करना है, तो सीखना तो पड़ेगा ही हमें घर पे। तो उसके लिए मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप अपने एब्रोज घर पे कैसे बना सकते हो। सबसे पहले उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता देती हूँ। ज़रूरत होगी एक थ्रेड की, और उसके बाद हमें ज़रूरत होगी एक सीज़र की। तो ये दोनों चीज़ें सारे घर में अवेलेबल होगी। अगर आपके पास ये वाला थ्रेड नहीं है तो आप जो सिलाई करने वाला थ्रेड है वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये थ्रेड होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास इस तरह का कोई कोम है या स्पूली है तो उसके हेल्प से आपको पहले सेट कर लेनी है आपके आईब्रोज इस तरह से। मैं आपको दिखा दूंगी आगे किस तरह से सेट करना है, और उसके बाद आपको आईब्रोज करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है थ्रेड कुछ इस तरह से, ज़्यादा लंबा भी नहीं लेना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना है। तो इतने तक आपको थ्रेड ले लेना है, और आपको इस थ्रेड को काट लेना है, और इसके जो एंड होते हैं उसको आपको नॉट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आपको एक थ्रेड चाहिए होगा, और कुछ इस तरह से बन गया है ये। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस आपको इस तरह से एक हो गया है आपका सर्कल रेडी। फिर आपको स्टार्ट करना है एब्रोज करना। तो उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या करना है। एक स्पूली लेना है, और उससे पहले आपको एब्रोज को सेट करना है। और आप देख सकते हो मेरी एब्रोज कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो पता नहीं कैमरा कैप्चर कर रहा है नहीं, बट यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे आईब्रोज की ग्रोथ काफ़ी कम है, बट फिर भी जिनकी ज़्यादा है तो उनकी तो ज़्यादा ही दिखती है, बट मेरी कम है इसी वजह से मेरी इतनी दिखती है। बट बनी हुई आईब्रो कैसी दिखती है और बिना बनी हुई आईब्रो कैसी दिखती है आपको पता ही होगा। अभी यही मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं कर सकती हूँ घर पे, इसी वजह से आपको भी बता रही हूँ कि आप भी कर सकते हो घर पे। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से आपको एक स्पूली लेनी है, और आपके आईब्रोज को सेट करना है उसकी शेप में इस तरह से स्पूली की हेल्प से। फिर जो आपके बाल यहाँ पर बड़े होते हैं आगे, तो उसे आपको इस तरह से स्पूली की हेल्प से ऊपर ले लेना है। डिटेल में इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि आप गलती ना करो और आपके आईब्रोज बिगड़े ना इसी वजह से। फिर आपको क्या करना है, उस आईब्रोज को जो आपके बड़े हुए बाल हैं उसे सेट करना है आपके आईब्रोज की शेप में इस तरह से। ओके, बस इस तरह से सेट करना है। फिर हम लेंगे ये थ्रेड जिसे हमने 6 बार इस तरह से किया था, 6 बार भी कर सकते हो, 5 बार भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। और फिर लेना है इस तरह से, और जिस डायरेक्शन में आपके हेयर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको इसे खींचना है। जैसे कि मेरे आईब्रोज की हेयर इस साइड में है, ये वाले साइड में, और इस आईब्रोज के हेयर इस वाले साइड में है, तो मुझे खींचना पड़ेगा ऐसे लगा के ये वाली साइड में, और यहाँ पर मुझे खींचना पड़ेगा ये वाली साइड में। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, आप देख सकते हो। सिर्फ ध्यान से देना है, ध्यान रखना है, ये देखिए निकल गया हेयर। इसी तरह से आपको ऊपर के भी हेयर करने हैं, और फंसाना कैसे आपको हेयर को मैं वो भी बता देती हूँ आपको। देखिए ये ऐसे ऊपर करते जाना है, फिर आपको नीचे के बाल दिखेंगे, और इस तरह से फंसाना है और यहाँ पर कर लेना है। बस इसी तरह से आपको सारे बाल निकाल लेने हैं, और ध्यान से, अगर आप बिगनर हो तो ध्यान से करना है आपको, नहीं तो आपके बाकी के बाल भी निकल जाएंगे। इस तरह से मैं पहले अपने बाल ऊपर के निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है तो मैं फास्ट कर सकती हूँ। आपको भी एक दिन आदत हो जाएगी, आप घर पे अगर बार बार करते रहोगे तो। आप फोरहेड भी इसी तरह से कर सकते हो, और अपर लिप्स भी इसी तरह से कर सकते हो। मेरे अपर लिप्स तो है नहीं, बट आपको फिर भी बता दे रही हूँ, अगर अपर लिप्स है तो आपको पाउडर लगा लेना है यहाँ यहाँ पे, और फिर आपको अपर लिप्स करना स्टार्ट करना है, नहीं तो आपका दर्द होने लगेगा और रेडनेस आएगी यहाँ पे। और इस तरह से करना है डायरेक्शन में, इधर के साइड के बाल हम ऐसे निकालेंगे ऐसे करके, और यहाँ के साइड के हम लोग ऐसे निकालेंगे
मतलब ये ऐसे करके ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बालों को निकाल लेना है सारे। मैं आईब्रोज अच्छे से बना लेती हूँ अपने। और बिल्कुल धीरे धीरे करना है आपको, बहुत टाइम देना पड़ेगा पहले पहले इसमें, और फिर बाद में आपकी आदत हो जाएगी तो उसके बाद आपके आईब्रोज अच्छे से बन जाएगी। तो अगर आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो पाउडर भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। पाउडर लगाने से क्या होता है कि इजी हो जाता है आपके हेयर को निकालना और दर्द भी नहीं होता है ज़्यादा। अब आप देख सकते हो मेरी इस वाली आईब्रो में और इस वाली आईब्रो में कितना क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये डन हो चुकी है और ये अभी भी बनना बाकी है, तो बिल्कुल क्लियरली डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो आप इसी तरह से दूसरी भी आईब्रोज़ कर लीजिए। इस तरह से आप घर पे ही अपनी आईब्रोज़ बना सकते हो। एक बार आपको आदत हो गई ना तो बहुत जल्दी बन जाएगी आपके आईब्रोज़, और आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली मैं बहुत कम पार्लर जाती हूँ आईब्रोज़ वगैरह बनाने के लिए भी, तो आपसे मैंने बहुत बार ब्लॉग में भी शेयर किया है कि मैं बहुत कम जाती हूँ पार्लर में, सारी चीज़ों के लिए बहुत कम जाती हूँ मैं पार्लर में। बट आप इसी तरह से अगर घर पर करोगे तो आपको इमरजेंसी भी आ गई इस तरह से, अगर लॉकडाउन में जैसे इमरजेंसी आ गई तो वैसे आप घर पे भी कर सकते हो, और कहीं जाना है आपको तो आपके आईब्रोज हमेशा डन रहेगी, आपके आईब्रो में एक भी बाल बड़ा हुआ नहीं दिखेगा अगर आप घर पे सीख जाओगे आईब्रो बनाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सीख भी गए होंगे आईब्रो बनाना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। ट्राई करते करते ही आपको आ जाएगा एक दिन, प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन आपको आईब्रोज बनानी आ जाएगी अपनी, और आप डिपेंड नहीं रहोगे किसी पे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।